बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है, वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो शब्द बहुत ज्यादा गर्माए हुए हैं, एक है बजान और दूसरा कल लॉन्च हो गया चचा जान। चचा जान ओवैसी के लिए इस्तेमाल किया गया है और अब्बा जान पहले समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन दोबारा से जब उसका इस्तेमाल हुआ तो समझ में आ गया लोगों को कि किस समुदाय के लिए अब्बा जान का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब्बा जान शब्द की जो शुरुआत हुई वो आज तक के एक सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह पर कटाक्ष करते हुए अब्बा जान का इस्तेमाल किया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने उसका रिप्लाई किया तो वो समझ गए कि अब्बा जान फेमस हो चुका है और हम चुनाव में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब फ्री राशन के नाम पर तमाम इश्तेहार लगाए, बोर्ड लगाए, वाहवाही लूटी, उसके बाद एक बयान और जारी कर दिया योगी आदित्यनाथ ने कि पहले के लोग जो अब्बा जान कहते थे वो सारा राशन हजम कर जाते थे, लोगों तक पहुँच नहीं पाता था। समझने वाले समझ गए कि उन्होंने किस समुदाय के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन वो चाहते तो इसका दूसरा रिप्लाई भी आ सकता है क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए पहले इसका इस्तेमाल किया था। और इस पर आगे बढ़ते हुए कल राकेश टिकैत ने, जो किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे हैं इस वक्त, पिछले 9-10 महीने से वो किसान आंदोलन का एक तरह नेतृत्व कर रहे हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है, उन्होंने ओवैसी के लिए चचा जान शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि एक चचा आ गया इनका, भाजपा वालों का उत्तर प्रदेश में, जो तमाम तरह के बयान देगा, गाली देगा, लेकिन इस पर कोई FIR दर्ज नहीं होगी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का चचा जान है। अब इसको लेकर ओवैसी के पार्टी के लोग भड़क गए हैं। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने एक बयान जारी किया है, लेकिन उसे सुनाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप राकेश टिकैत जी का वो बयान सुन लें जिसमें उन्होंने ओवैसी को चचा जान कहा है। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना, ये बेरूपियां हैं, ये कभी तिरछी टोपी ओढ़ेंगे, कभी सीधी ओढ़ेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में, उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है, वो गाली देगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। अब राकेश टिकैत के इस बयान के बाद मीम पार्टी के लोग किस तरह से भड़क रहे हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता की जुबानी आप लोग सुन लीजिए। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? उस वक्त आपके लोग हर हर और जय श्री के नारों के साथ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। कोई बयान आपका नहीं आया, कोई शांति अपील आपने नहीं की और आज आपको बीजेपी BOC टीम यहां बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये बयान था सैयद असीम वकार, जो प्रवक्ता है मीम पार्टी के। इनका सीधा आरोप है कि 2017 के चुनाव में हम जानते हैं राकेश टिकैत जी, आप और आपकी फैमिली ने किस पार्टी की मदद की थी। आपने समाजवादी और बसपा पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग की थी, उन्हें जिताने का काम किया था और उन्होंने ये कहा कि हमें पता है कितने सेकुलरवादी नेता हैं। उन्हें तमाम तरह के आरोप लगाए कि किस तरह का आप धरना कर रहे हैं, किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर, सर रखकर आप किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। अब इस चीज़ों से होगा क्या कि अब्बा जान वर्सेस चचा जान में फ़ायदा किसका होगा, ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्योंकि उधर से अब्बा जान चला, इधर से चाचा जान चला और बीच में जो उत्तर प्रदेश की जनता है, खासकर वो लोग जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना नहीं चाहते, उसमें शायद आपस में फूटना पड़ जाए। और अब ये जंग
जो दोनों पार्टियां या दोनों संगठन एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, अब ये दोनों आपस में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वैसी का भी ये कहना है कि हम यूपी में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे, और राकेश टिकैत पहले से ही सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, केंद्र की नीतियों के खिलाफ हैं, वो पहले से ही अड़े हुए हैं कि हम उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को हटाकर रहेंगे। लेकिन ऐसे में एक बयान जो योगी जी ने दिया उस पर लड़ रहे हैं ये आपस में, और जिसमें एक नया बयान राकेश टिकैत ने दे दिया चचा जान, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब जो आपस से सेकुलर लोग हैं वो चचा जान और अब्बा जान पर दोनों आपस में उलझ चुके हैं, और अब यह उलझन आगे नए कितने विवाद पैदा करेगी ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अब्बा जान और चचा जान पर यूपी की सियासत गर्माई हुई है। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलता है फिर किसी नई खबर के साथ।